वेलकम बैक टू एन पाठशाला। तो मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आज से बीएड की सीरीज़ चालू करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको गवर्नमेंट टीचिंग के लेक्चर्स जिसमें मैं आपके गवर्नमेंट टीचिंग लेक्चर्स लूँगी। तो आज हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे। नोट्स आप बनाते रहिएगा, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी इसके साथ ही साथ आपको नोट्स बनाना भी ज़रूरी है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली तो इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, बट साइकोलॉजी जो है ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए। अगर आपको ये नहीं आता तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स यूं ही वेस्ट हो जाएंगे। उन सब पे जो आप काम कर रहे होंगे वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी से, और सब्जेक्ट और उसका सिलेबस मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो पहले ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी क्या था। साइकोलॉजी या फिलॉसफी पहले एक ही चीज़ होती थी। हमारे इंडियन कल्चर में फिलॉसफी और साइकोलॉजी को एक ही कहा जाता है, बट क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में सभी चीज़ों का अपना एक डेफिनेशन बन गया है, हर फील्ड की इतना ज़्यादा फैल गई है वो, कि उसको डिवाइड करना ज़रूरी हो गया। सो दैट अब हम साइकोलॉजी को अलग पढ़ते हैं एंड फिलॉसफी को अलग पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगों से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या साइंस। यानी कि क्या कहा जाएगा, साइकोलॉजी क्या हुआ, सोल की स्टडी हुई। सोल और माइंड वैसे एक ही होता है, पर मैंने अभी बताया कि साइकोलॉजी जो है वो अब सेपरेट हो चुका है फिलॉसफी से, सो दैट हम इसे साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि नोट्स के हिसाब से थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन एंशियंट टाइम साइकोलॉजी वॉज नोन एज फिलॉसफी। सम फिलॉसफर डिफाइन इट एज साइंस ऑफ सोल। कुछ फिलॉसफर ने साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल कहा था। इन मॉडर्न टाइम इट्स डेफिनेशन गॉट मॉडिफाइड। मॉडर्न टाइम में इसकी डेफिनेशन बदल गई। अ फेमस कोट्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ वो इंसान है जिन्हें साइकोलॉजिस्ट कहा जाता था। तो इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज़ द बिहेवियर ऑफ अ सॉर्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि जब साइकोलॉजिस्ट जो थे, जब इन्होंने इस चीज़ को समझना चाहा कि साइकोलॉजी को क्या बोलना चाहिए, तो पहले जैसा मैंने बताया कि वो सोल की स्टडी कही जाती थी, तो सोल को कोई देख नहीं सकता, तो साइंटिफिकली वो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सोल को हटाकर फिर हमने क्या किया, उसको माइंड का अध्ययन बोल दिया, फिर हमने उसको कॉन्शियसनेस बोल दिया। तो ये बस एक तरीका है ये डिफाइन करने का कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो कैसे हमने समझी। तो अब जान लेते हैं, एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए ये सब ना कहकर हमने साइकोलॉजी को कहा ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि यदि हम इसे ब्रेन की स्टडी कहते तब भी ये सही नहीं होगा, और सोल की स्टडी कहते तब भी सही नहीं होगा। सो दैट हमने क्या किया, उसे कहा साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एट लास्ट जो ये एट लास्ट हमने ये डिसाइड किया कि हम उसे कहेंगे साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर को देखा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। साइकोलॉजी
सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजी टर्म सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो वो थे रुडोल्फ गोकल 1590। फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम वुंड्स को। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है ई एल थॉर्नडाइक को। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है विलियम वुंड, जिसको कहते हैं विलियम वुंड जाने जाते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी की लेबोरेटरी पहली बार किसने खोली, एन एम सेन गुप्ता 1916। फर्स्ट वुमेन हु इज़ पीएचडी इन साइकोलॉजी, पीएचडी में साइकोलॉजी किसने साइकोलॉजी में पीएचडी किसने करी, वॉशवन 1908। बुक रिटन बाय वॉशवन थी एनिमल माइंड। फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन, तो वो थी विट्टन कालकिन। अब हम ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी के तीन कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। पहला है साइको एनालिसिस, जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। बिहेवियरिज्म, जिसे जे बी वॉटसन ने दिया। ह्यूमनिज्म, जिसे कार्ल रॉजर ने दिया। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हमने ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी का उत्पत्ति कैसे हुई, साइकी और लोगस से मिलके साइकोलॉजी बना, और उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन किस तरीके से डिफाइन की गई, उसे क्या बोला जाता है आज के मॉडर्न टाइम में, तो उसे कहा जाता है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। और नेक्स्ट पेज पर हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट साइकोलॉजी। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हैं आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सिलेबस और उसका जो भी कंटेंट रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।